नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग का क्रोशेट श्वेता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह का हाल पोस्ट डिजाइन लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, यह बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आ कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, और इसमें ऐसा लॉक कर देंगे। थ्री चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन लेते हुए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 फोर डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह 24 डबल क्रोशिया हो गया और मैजिक रिंग को इस तरह से खींच देंगे। और इसको इस तरह से लेते हुए पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर थ्री चेन लेंगे और इसका बगल वाले चेन में, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह टोटल 36 डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 4 चेन लेंगे, यहाँ पर 2 3 4 चेन लेंगे और 3 और लेंगे, 3 गैप के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन को छोड़ देंगे, दूसरा चेन में इस तरह से 2 2 2 करके निकालेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे और इस तरह से 2 लूप लेंगे। 1 चेन को छोड़ देंगे सेकेंड वाला चेन में, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, इस तरह से 2 बार लपेटेंगे एक चेन को छोड़ के, तीसरा वाला चेन में 2 2 करके निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स, यह पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 चेन लेकर के यह टोटल 18 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, 1 2। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्थ वाला चेन में 1 2 3 फोर्थ वाला चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना,
थ्री सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स गैप में, और यहाँ पर इसमें ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वन सिंगल क्रोशिया, फिर इस गैप में थ्री सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, और एक इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें टू थ्री सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद यह पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, वन चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, थ्री चेन लेंगे, इसके बाद नाइन चेन और लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन चेन लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये एट वाला जो चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर नाइन चेन लेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से फ्रेंड्स। ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ नाइन चेन लेने के बाद इसको वन टू थर्ड वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, वन चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इसमें इलेवन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इसमें फिर से इलेवन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फर्स्ट वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, वन चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पर सिक्स चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर
5 6 सिक्स टर्न लेने के बाद पर वो 1 2 3 4 5 फोर चेन छोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन छोड़ने के बाद 5 वाला चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 सिक्स चेन लेंगे और 1 2 3 4 छोड़ करके, 4 चेन छोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन छोड़ने के बाद 5 में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 चेन छोड़ करके 5 चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनेगा एक जगह, 3 डबल क्रोशिया बनेगा। इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6 चेन लेने के बाद इसको पहला वाला सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। 1 चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और इसके इधर 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 1 और 2। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद 6 चेन लेंगे, 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। इसी तरह से यह पूरा राउंड कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6 चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, 1 चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
सिक्स चेन लेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन लेकर के इसमें दो डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह टोटल 11 डबल क्रोशिया हो गया, दो इधर से बढ़ गया और दो इधर से बढ़ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद सिक्स चेन ले लिए। सिक्स चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर देंगे, फिर सिक्स चेन लेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड जाएगा फ्रेंड्स, कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिक्स चेन लेकर के और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इससे चेन से लेकर के इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर, और एक इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन लेने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को लेकर के थ्री डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, और इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कंटिन्यू बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाते हैं। यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हो गया, इसके बाद यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री डबल क्रोशिया बना दिया फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट थ्री डबल क्रोशिया बना देंगे, टू थ्री, इस तरह से यह हो गया डिजाइन। इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, वन चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्लिप स्टिच से पहला वाला चेन से इस तरह से जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे। इसके बाद थ्री डबल क्रोशिया वाला चेन लेंगे और टू और लेंगे बीच के गैप के लिए। इसके बाद वन चेन छोड़ करके फ्रेंड्स सेकेंड वाला चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, फिर टू चेन लेंगे। इसके बाद एक चेन छोड़ करके सेकेंड वाला चेन डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर टू चेन लेंगे और एक चेन छोड़ करके सेकेंड वाला में डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वन टू थर्ड वाला चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अराउंड पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद वन चेन लेकर के और इसको कट कर देंगे। इस तरह से इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ से कहीं से भी आप लगा सकते हैं दूसरे कलर को, और इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से चेन लेंगे, टू इसको इधर कर देंगे ताकि भी साथ में थ्री चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू एक चेन वाला हो गया, एक ऐसा डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, और ये थ्री चेन को लेते हुए यह थ्री डबल क्रोशिया हो गया। फिर टू चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री टू थ्री डबल क्रोशिया फ्रेंड्स। इसके बाद इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस साइड घुमा देंगे और इधर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसको यहाँ जो एक चेन जो छोड़े थे गैप दिए थे यहाँ पर, इसमें इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें इसको इस तरह से घुमाएंगे, और इसमें फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें वन टू थ्री टू चेन लेंगे और इसी में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री। इसके बाद इधर घुमाएंगे और इसमें फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यह इस तरह से डिजाइन जाएगा फ्रेंड्स। फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसमें फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह राउंड पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसको यहाँ से पहला वाला
चैन से इस तरह से करके स्लिप स्टिच करके इसको कट कर देंगे। आई सुन को पीछे की तरफ इसे सेट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा कलर लगाएंगे। नॉट लगा करके इस तरह से, और ये यहाँ से दो चेन लिए थे फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से ये लगाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। वन चेन लेंगे, इसको भी साथ में इस उनको भी सेट कर देंगे। टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इसके इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर फाइव चेन लेंगे, टू थ्री फोर फाइव, और इसके टू चेन के बीच से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आप पूरे रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट करके इसको इसमें जॉइंट कर देंगे पहला वाला चेन से इस तरह से। इसके बाद वन चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन लेंगे, इसी में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री, वन चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें जाएंगे और इसमें जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसमें जा कर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक वन चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री टू थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, वन सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद इधर से इस तरह से डाल के और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया जो बना है इसमें से इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर वन चेन लेंगे और थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से रिपीट करते हुए कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद वन चेन लेकर के इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिए और लास्ट इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिए सिंगल क्रोशिया के साथ और इसको इसमें अटैच करके स्लिप स्टिच कर दिए इस तरह से। वन चेन लेकर के इसको इसे कट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, यह इस तरह से यह डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यह कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर यह थाल पोस्ट डिज़ाइन आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा थाल पोस्ट डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।